जिले के बलिया क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल की हकीकत सामने आने के बाद भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग आखिरी नींद से जागा और मामले में हुई किरकिरी के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान ने जांच कमेटी का गठन किया है। बलिया कस्बे के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के हर वक्त गैर हाजिर रहने के कारण क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी के दौर से गुजरना तो आम था, लेकिन मामले में बड़ी लापरवाही तब सामने आई जब इनकी अनुपस्थिति के चलते हादसे में घायल युवक को चपरासी ने ही इंजेक्शन लगा दिया। हालत गंभीर होने पर युवक को एमजी अस्पताल रेफर किया गया। मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग जागा और मामले में डिप्टी सीएमएचओ के नेतृत्व में कमेटी का गठन करते हुए जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। लापरवाही का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घायल के साथ आए लोग भी यह सब देखकर हैरान रह गए। पूछताछ में सामने आया कि डॉक्टर के नहीं होने पर पूरा स्टाफ भी अस्पताल से गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में बरुंदनी मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में घायल रणजीत पिता हुकुम सिंह को जब गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर नदारत मिले। एकमात्र डॉक्टर वैभव पवार है जो भी ड्यूटी पर नहीं है। इस पर चपरासी शंकरलाल शर्मा ने घायल को इंजेक्शन लगाया और हालत गंभीर होने पर युवक को एमजी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ मुश्ताक खान ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए डिप्टी सीएमएचओ के नेतृत्व में टीम का गठन किया है जो मामले की जांच के बाद 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सीएमएचओ डॉक्टर खान ने कही है। अब जो आराम ना है मगर भी आज में वर्षे पर आराम है। यार ना कोई बेहतर जरा मरो ऊपर जी बाजी ऊपर भी या कोई इलाज हो जाओ। कि मुझे भी समाचार पत्र से पता चला है और चैनल पे भी कुछ मीडिया कर्मियों से मेरी बात हुई है तो मामला संज्ञान में आया है और मैंने डिप्टी सीएमएचओ को इस इंक्वायरी बिठा दी है और हम इसकी जांच करवा रहे हैं। 3 दिन में वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे हमें और अगर दोषी पाया जाता है तो हम कार्रवाई करेंगे। नहीं डॉक्टर जो है देखिए जो सीएचसी कोटड़ी है वहाँ पे पोस्ट वैकेंट है हमारी तो हम रोटेशन से जो है डॉक्टर्स को कुछ टाइम के लिए लगाते हैं वहाँ पे तरह से व्यवस्था बना रहे। नहीं देखिए जहाँ है नहीं कोई व्यक्ति अगर पद खाली है तो वहाँ पे तो व्यवस्था चलाने के लिए अपने को कर्मचारी कार्य व्यवस्था लगाना ही है तो एक ही डॉक्टर को नहीं लगा रखा मैं 6 डॉक्टर को रोटेशन से 1-1 दिन के लिए 2-2 दिन के लिए वो लोग आते हैं और इस तरह से ड्यूटी करते हैं।